Hey Mercedes. आपकी आवाज नहीं सुनती वो. Hey Mercedes. Hey Mercedes. मेरी भी नहीं सुनती. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट व्लॉग जो इस चैनल पे जाने वाला है. जी हाँ, ये चैनल का पहला वीडियो है और हम चला रहे हैं 2 करोड़ की मर्सिडीज एस क्लास. लेकिन ये व्लॉग एस क्लास के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं लॉन्च पे. कौन सी गाड़ी के? स्कॉर्पियो एन के. काफ़ी टाइम से अवेटेड है, बहुत डिले हुई है बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज. बट हम अभी जाएंगे मर्सिडीज फैक्ट्री, इस कार को रिटर्न करेंगे, फिर जाएंगे स्कॉर्पियो के लॉन्च पे. एंड वहाँ से एक मैं स्कॉर्पियो उठाने वाला हूँ आज. अब मैं सोच रहा हूँ कौन सी उठाऊँ, पेट्रोल या डीजल. चलो अभी यहाँ से जर्नी ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, बिकॉज मुझे इसका ड्राइविंग वाला वीडियो भी बनाना है रास्ते में. आज मंडे है, बहुत एक्साइटिंग दिन होने वाला है. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो या दिख रहे हो मेरी शक्ल. चलो गाड़ी तो स्टार्ट करें. सीट अपने आप आगे आ रही जैसे मैंने गाड़ी ऑन की. क्या बेहतरीन गाड़ी है, मज़ा आ जाता है चला के. इसका जो क्लस्टर का मोड है ना, वो थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा स्पोर्टी डालते हैं. कितना अच्छा लग रहा है. इसको स्वाइप करते हैं और खोलते हैं. ये क्यों नहीं हो रही स्वाइप आज. सनरूफ भी खोल देते हैं. मैं अकेले जा रहा हूँ क्योंकि अरे ये क्या बटन दबा दिया मैंने, क्योंकि कैमरामैन वो डायरेक्टली पहुँच रहा है, वो कैब से निकल चुका है. ये स्किप करते हैं. इसका जो कैमरा है ना, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है. ये देखो आप कैमरा, अभी निकल जा बाहर, बटन दबाते हैं ऑन करने के लिए कैमरा. ये देखिए कैमरा, व्हाट क्वालिटी मैन. अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट कर दूंगा. तो मैंने बटन दबा दिया, सेट हो गया. ऑटोमेटिकली ब्रेक मार रही है कार, देख रहे हो आप. ऑटोमेटिकली मेरा पैर कहीं टच नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक मार रही है क्योंकि आगे एक गाड़ी है. तो हम एक काम करेंगे, हम साइड में आ जाएंगे. जैसे ही साइड में आएंगे ये सेंस करेगी कि कोई आगे नहीं है और ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज करेगी और मैं डिसाइड कर सकता हूँ मुझे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है आगे वाली कार के साथ. तो ये 4 कार लेंस पे किया है, इसलिए आप देखिए आगे ट्रक आ गया है. तो ये देखिए ब्रेक नहीं मारा बिल्कुल, एकदम स्लो कर दी स्पीड इसने. ये तो लगभग 50 की स्पीड पे आ गई, इसलिए हम लेन चेंज करेंगे. और जैसी लेन चेंज की, गाड़ी ने सेंस किया कि कोई सामने नहीं. देखो मेरा एक्सीलेटर पे बिल्कुल पैर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज करेगी और मतलब जो स्पीड मैंने सेट किया उस पर ले जाएगी कार को. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इसमें है, लेन की पसेस. तो देखिए मैं स्टीयरिंग पे हाथ बिल्कुल नहीं रखूंगा. जैसी ये जज करेगी कि देखो लेन के बाहर जा रही है, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग इनपुट देख के गाड़ी को लेन में रखेगी. वहाँ पे मार्किंग भी बता रही है कि देखो मैं लेन एग्जिट कर रहा हूँ. ये रेड कलर की मार्किंग आपको दिख रही है और ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन के अंदर आ रही है. अभी काफ़ी टाइम हो गया इसलिए बोल रही है कि ज़रा हाथ रख लो ना स्टीयरिंग व्हील पे, करके आ रहे हो बकचोदी. लेकिन ये गाड़ी ऑटोमेटिकली चल सकती है बिकॉज इसमें बहुत सारे एडास फंक्शन है. मज़ा आ गया. ये व्लॉग एस क्लास के बारे में बिल्कुल भी नहीं है. इतनी बेहतरीन रोड, लेकिन आप टोल बूथ पे अटक जाते हैं क्योंकि फास्टैग आधे टाइम चलता नहीं है. तो वहाँ से डंडा डाल के फास्टैग डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उसने अपना अपना फास्टैग उस लेडीज़ को दिया है ताकि वो उसको लगा के डिटेक्ट कर लें. यहाँ पे मतलब हम ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं. चलो अभी सो जाते हैं. लोनावला पहुँच चुके हैं, वेदर बहुत ही सेक्सी और गाड़ी और भी सेक्सी. थोड़ा बहुत फॉग वॉग हो रहा है लेंस पे, लेकिन मज़ा आ गया चला के. अभी यहाँ पे रुक के कैमरा वैमरा माउंट करेंगे क्योंकि इसका जो मुझे वीडियो करना है वो मैं अभी शूट करूँगा ऑन द वे. रोड काफ़ी खाली है बट यहाँ वहाँ पे तो ट्रैफिक में अटकने ही वाले हो. आई लव दिस कार, मेरी चाइल्डहुड ड्रीम है ये गाड़ी, पता है. कैमरा हमने लगा दिया है, वार्तालाप करना हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं. थोड़ी रोड वगैरह ठीक हो जाए क्योंकि आगे मुझे लग रहा है ट्रैफिक जाम में हम फंसने वाले हैं. क्या होता है ना, यहाँ पे एक इंक्लाइन है, वहाँ पे ट्रक्स फंस जाते हैं और तीनों लेन में ट्रक्स ही रहते हैं. तो वो ऐसे ड्रैग रेस वगैरह कर रहे होते हैं जिसके चक्कर में गाड़ियाँ अटक जाती हैं. तो हमने कैमरा तो लगा दिया है बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे रोक के हम लगा नहीं सकते, इसलिए हम फूड मॉल पे रोक के हमने कैमरा लगा दिया है. लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत चलाएंगे, आराम से आनंद लेंगे कॉर्नर्स का और फिर चालू करेंगे हमारा जो वीडियो हमें शूट करना है. बाय द वे वो वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, अब यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं. हम लोग डेस्टिनेशन 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे कुछ हो गया है क्योंकि देर इज़ अ काओ जो भाग रहा है और जो ओनर है उसके पीछे भाग रहा है. ये देखो आप काओ को देख सकते हो, ये यहाँ पे भाग रहा है रोड के बीच में. एंड आई डोंट नो ओनर किधर गया है, मतलब रैंडमली रोड के बीच में भाग रहा है. तो बहुत ज़्यादा केओस हो गया है ट्रैफिक में अभी. Run. देख सकते हो, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, ADAS की वार्निंग आ रही है. पता नहीं बहुत जल्दी में आज वो उसको भी स्कॉर्पियो देखनी है. उप्स, गाड़ी का नाम नहीं बोलना था वैसे. वो पेट्रोल पंप में घुस गया है और फाइनली ना ऑल्टो से जाके उसको पकड़ा. वाह क्या सीन है. पहुंच गए, गाड़ी मैंने खुद ही यहाँ पे पार्क कर दी क्योंकि वैले देना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई एम लाइक मैं खुद की गाड़ी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा.
बिकॉज पार्किंग करनी खुद से करेंगे क्यों नहीं. एनीवेज अंदर जाके चेक इन करते हैं. चेक इन शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत जल्दी पहुंच गए हैं आज. गाड़ी की हाइट मैंने बढ़ा दी थोड़ी बहुत ताकि स्पीड ब्रेकर्स पे आराम से निकल जाए. एक्चुअली मैं होटल में गया, वहाँ पे हमारा कोविड टेस्ट हुआ. कॉस्ट 2,200 rupees फॉर एक्सप्रेस, वैसे तो 800 rupees का होता है. वो करके मैं बाहर निकल गया क्योंकि आधा घंटा लगेगा वो सब रिपोर्ट्स आने में, और एक बार रिपोर्ट आ गई तभी आप चेक इन कर सकते. तो मैं सोचा चलो गाड़ी है, निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, आराम से मजे करते हैं. गगन यहाँ पे आ गए हैं, उनकी सीट हीटिंग ऑन करके रखी है. आप बोल रहे थे ना बहुत ठंड है बाहर, अब मजा आया. आपकी आवाज नहीं सुनती वो. Hey Mercedes. मेरी भी नहीं सुनती. Hey Mercedes. How can I help? What is the weather? गुरुवार तक बारिश नहीं होगी, शुक्रवार को पत्थर बरसेंगे. अच्छा ठीक है, रहने दे बहन. जहूर ने हमें यहाँ पे आधा घंटा इंतजार करवाया है, हाफ एन आवर. तुम PCR टेस्ट कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे? पहले रिपोर्ट दिखाओ. हाँ पहले रिपोर्ट दिखाओ, गाड़ी में ऐसे नहीं बैठ सकते. बाय डिफॉल्ट उसको नेगेटिव मान लिया है. जहूर ने यहाँ पे हाथ धोए एंड इधर साबुन में हैंड ड्राई कर रहा है. वेयर डू गेट दिस जीनियस आइडियाज फ्रॉम? सब खैबी बने घूम रहे. हम लोग अभी मॉल आए हैं, यहाँ पे हम कीमा पाव खा रहे हैं बिकॉज होटल का खाना इतना अच्छा नहीं होता, मज़ा नहीं आता. तो वी थॉट चलो मॉल आके कुछ खा लेते हैं अच्छा सा. दिस कीमा पाव इज रियली अमेजिंग. गगन चिकन नहीं खाते तो चिकन नहीं खा रहे हम. तुम दोनों तो एम स्टैलियन निकले, फट से पी गए. पीछे की सीट का आनंद लेते हुए, वेंटिलेशन ऑन, मसाज ऑन, जूस रेडी, टैबलेट कंप्यूटर यहाँ पे, ड्राइवर और शोफर मतलब और बटलर यहाँ पे सामने पता नहीं क्या बकचोदी कर रहे हैं. ठीक से चलो रामलाल, आपका कंफर्ट छेड़ रहे हैं. आप नहीं छेड़ पाओगे, आपके पास कंट्रोल ही नहीं है भाई. थोड़ी सी बारिश हुई और देखो गाड़ी कितनी ज्यादा गंदी हो गई है. स्पीड ब्रेकर से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इस कार के साथ. फाइनली रूम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ करने का बिकॉज जल्दी से रेडी होकर निकलना है स्कॉर्पियो के इवेंट के लिए, लॉन्च इवेंट के लिए. यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है ये चाकन के होटल से बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी सम पीपल्स प्लांट्स एंड ऑल, मतलब दूर दूर, बिकॉज चाकन इज लाइक एन इंडस्ट्रियल एस्टेट. लेट्स क्विकली डू वन थिंग, लेट्स गेट रेडी. ऑल रेडी फॉर द लॉन्च, अच्छे से नहा धो के बाल वाल सेट कर दिए बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट कार है यार स्कॉर्पियो. एंड इवेंट के लिए निकल चुके हैं. मराजो में बहुत ज़्यादा स्पेस है गाड़ी में, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी बिकी नहीं जितनी डिजर्व्स टू सेल. ये महिंद्रा का प्लांट है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से. थोड़ी बहुत XUV700s भी दिख रहे हैं, चलो डिलीवरी कर दो इनकी अब. जस्ट देन स्कॉर्पियो लॉन्च में अभी फिजिक्स क्लास चल रही है. ओके फाइनली हम चला रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन. नो ओपिनियंस राइट नाउ, स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है लेकिन वो भी ओपिनियन हो गया, चलो काट दो. ये बस ऑलमोस्ट टच होने वाली थी लेफ्ट साइड में, पार्किंग सेंसर देने चाहिए और 360 डिग्री कैमरा. यू रिमेंबर हमने वो जिनेवा में लगा रहे थे. ये बताओ तुम बस में बैठे तुमने कॉफी गिराई कि नहीं आज? नहीं अभी शुरू नहीं, वो ट्राम में, सिर्फ ट्राम में. रात के 11 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं रूम में वापस. लॉन्च वॉन्च सब हो गया है, अभी हम जाके सो जाएंगे. गुड नाइट.